मैं बहुत जल्दी इसको लेके वीडियो भी इंस्टा पे डालने वाली हूँ, क्योंकि मेरे आसपास में काफी सारी फीमेल्स के साथ ये चीजें हुई हैं कि वो मेंटली फिजिकली भी हरेस हुई हैं। तो इसी के साथ बस ये छोटा सा भाषण था मेरा, और कुछ चीजें बुरी लगी हो, बोर हुई हो तो अभी तो सॉरी बोलती हूँ, और आगे पीछे अगर इवेंट हो जाए तो प्लीज सपोर्ट करिएगा, साथ दीजिएगा, क्योंकि टाइम की शॉर्टलिस्ट सबको है, बट सभी को मुझे प्रॉपरली सम्मान, एक इक्वलिटी के साथ सम्मान देना है। मेरे लिए यहाँ आए हुए सारे लोग मेरे परम प्रिय हैं, मेरे वीव और वुमन का फैमिली है, और सब कुछ मेरे लिए, सब लोग एक जैसे हैं। तो अगर कुछ गलती हो जाए तो मैं वापस आप सबसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ कि मुझे और मेरी टीम को कोई भी भूल चूक होती है, कोई अपशब्द निकल जाए तो क्षमा कीजिएगा, मन में रख के मत जाइएगा, बिंदास होकर के मुझे फोन में बोल सकते हैं कि अमृता तेरी चीज बुरी लगी, मैं उसका तहे दिल से पछतावा करूंगी और अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करूंगी। थैंक यू। अक्षता अनिल शिर्के, एक्ट्रेस एंड मॉडल, थैंक यू सो मच रोशनी, अक्षता अनिल शिर्के, शी इज एक्ट्रेस एंड मॉडल अक्षता अनिल शिर्के, एक बार के लिए ताली बजा दीजिए प्लीज। हमारी गिफ्टिंग पार्टनर शाह बरिश्ता की तरफ से थैंक यू सो मच अक्षता। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल ऑन आवर स्टेज गेस्ट ऑफ ऑनर अरुणा नम। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल ऑन आवर गेस्ट ऑफ ऑनर सौम्या सिंह। सौम्या सिंह, नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल दीपिका रावल। दीपिका रावल, शी इज द मिसेस यूनिवर्स एशियस ब्रांड एम्बेसडर 2021, मिसेस नवी मुंबई 2018 एंड ओनर ऑफ दीपिका डिजाइन बुटीक। सुपर टैलेंटेड दीपिका रावल, प्लीज इसके लिए एक बार ताली बजा दीजिए। थैंक यू सो मच दीपिका जी। नाउ आई विल कॉल डॉक्टर राव, आई विल लाइक टू कॉल ऑन स्टेज माया गुप्ता।
Thank you so much, Maya ma'am. Next, I would like to call Dr. Sheetal Mali. Next, I would like to call Alpa Sanghi. Alpa Sanghani. Next, I would like to call guest of honor, Ritu Chauhan.
जी मैंने तो काम करने के लिए ही मैं काम किया, मैंने कभी भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे आज और अपनी मेहनत का एटलीस्ट अवार्ड मिला है और आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट एंड आई थैंक्स एवरीबॉडी फॉर सपोर्टिंग मी एंड आई कीप ऑन वर्किंग फर्दर जब तक मेरी जिंदगी है, ऐसे ही काम करती रहूँगी और आपकी दुआओं से सब ठीक होगा और हमेशा मैं ऐसे ही प्रयत्न करती रहूँगी कि मैं जैसे पहले अपनी लाइफ में मैंने की है और हिम्मत नहीं हारूंगी कभी। और एक मेरी मेरा बोलना ये है कि प्लीज़ आप लोग भी समय की कदर कीजिए, समय कभी दोबारा वापस नहीं आता जब तक चला गया, हर एक मिनट जिंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसकी कदर कीजिए, बस इतना बोल के मैं प्राउड फील कर रहा हूँ क्योंकि जो अमृता मिश्रा जी है बहुत अच्छा काम कर रही है और हर एक आदमी को उनको सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वन हैंडेडली अगर लेडी इतना अच्छा काम करती है, इतने लोगों को प्रोत्साहन देती है और हर चीज़ के लिए खड़ी रहती है, हर चीज़ के लिए लड़ती है, तो और ये मैगजीन में उन्होंने हर लेडी की स्टोरी लिखी और हर आदमी की स्टोरी है जिन्होंने सक्सेस अचीव की है, तो मैंने भी जुड़ा, हमारी कंपनी जुड़ी क्योंकि ये मैडम है और मुंबई रफ्तार है, ऑलवेज अच्छे काम करते रहते हैं तो इनके साथ हम ऑलवेज जुड़े हुए हैं, इनके कोई भी इवेंट्स रहते हैं हम ऑलवेज इनके साथ है क्योंकि ये अच्छे इवेंट करते हैं, डिसेंट इवेंट करते हैं और पब्लिक इंटरेस्ट में करते हैं, अपना वजूद दिलाकर हर किरदार निभाती हैं, वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। थैंक यू मुझे स्पिरिचुअल ट्रेनर के लिए अवार्ड मिला है, बेस्ट स्पिरिचुअल ट्रेनर। एक्चुअली इस अवार्ड का क्या करना चाहेंगी जो सर ने अभी सवाल पूछा, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये अवार्ड जो आज मिला है ये हर नारी को डेली मिलना चाहिए, क्योंकि नारी एक ऐसी व्यक्ति है जो घर को संभालती है, सारी चीज़ों को संभालती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी अहमियत जमाने को भी नहीं समझ में आती है, घर वालों को भी बहुत बार समझ में नहीं आती है, तो ये स्पिरिचुअल लेवल पे मिला है तो मैं सबको यही बोलूँगी कि थोड़ा स्पिरिचुअल समथिंग होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है ये चीज़ें, क्योंकि आज के लाइफ में हम बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मीडिया बोलिए सारी चीज़ें बोलिए थक जाते हैं, तो एक मेंटली जो डिस्टर्बेंस हमारा होता है तो उसके लिए स्पिरिचुअल लेवल होना ज़रूरी है। ये मेरा दूसरा साल है और समाज के विविध क्षेत्रों के महिलाओं को सम्मानित किया जाता है, हर कामयाब इंसान के पीछे कहीं ना कहीं घर का हाथ होता है और घर के पीछे नारी का हाथ होता है, तो नारियों का सम्मान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये दो साल से हम सपोर्ट भी कर रहे हैं और ख़ास करके मैं इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व हूँ शैलेश पटेल जी की वजह से, और शैलेश पटेल जी मेरे पास कोई ना कोई अच्छे कार्य लाते रहते हैं और मैं इनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर सपोर्ट करता हूँ, और अभी हम मेरे ख्याल से 31 तारीख को भी दो शो कर रहे हैं, तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि पुरस्कार हमेशा आदमी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और सभी अवार्डी को मैं मुबारकबाद देता हूँ और मैं खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को कि इस प्रकार का कार्य मेरे हाथों से हो रहा है, इसलिए मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ, हर साल सपोर्ट करूँगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। गुड इवनिंग, नारी शक्ति के लिए जो प्रोत्साहन लाइफ जो है यहाँ पे सर के सामने कमेंट करने जा रहे थे, लाइफ लाइफ एक ही नारी शक्ति हमेशा के लिए लाइफ आगे बढ़े, अच्छे से बढ़े एंड लाइफ ही लोगों के लिए एक आश्वासन होगा कि नारी शक्ति कुछ कम। थैंक यू सो मच।
अरे कल जेवन नहीं खेला था मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी वाइफ को आज ये नारी सम्मान मिला है, आवाज नारी का सम्मान मिला है और सुरेश सर, राज सर और राम सर के माध्यम से इसको नॉमिनेशन हुआ है और मेरे साथ में ये मेरे डिजिटल एसेट्स ट्रेनिंग बिजनेस में मेरे साथ में काम कर रही है और लगभग हमारा एक 10,000 लोगों का परिवार हुआ है इसके अंदर और 10,000 लोगों को घर में खुशी है। आज लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, काम की तलाश है ना, लेकिन एक जो नया मार्केट है हमेशा टेक्नोलॉजी एक नए नए मार्केट को उदय आता है और नया नया मार्केट उदय में आता है और लेकिन उसका जो टेक्निकल ट्रेनिंग है वो टेक्निकल ट्रेनिंग का पार्ट हम दोनों संभाल गए और मुझे मेरी वाइफ का इससे बहुत बहुत साथ मिलता है और हम दोनों हमारे 10,000 लोगों को परिवार को एक खुशी दी है। उसके लिए भगवान ने जो अपॉर्चुनिटी दी है कोशिश कर रहे हैं, तो भगवान हमको शक्ति दे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास समाज में पहुंचे और उनको आत्मनिर्भर बनाए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। उन्होंने सही में ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ पर बुलाया जो डिजर्व करते हैं और मैं उनको सल्यूट करती हूँ अमृता को कि शाबाश नारी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम जैसी नारियों को सम्मानित किया जाता है। तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की और बहुत ही खुशी की बात है कि मुझे शाबाश नारी का मैं एक हिस्सा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आना। पहले से मैं बोलूँगी बहुत बहुत शुक्रिया अमृता मैम का जो उन्होंने मुझे इनवाइट किया है। थैंक यू सो मच अमृता मैम और आपने मुझे काबिल समझा कि ये शाबाश नारी का जो भी मुझे टैग मिला है माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। और मैं एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो मेरे काम से ही मुझे जाना जाता है। जैसा मैं बहुत से मेकअप आर्टिस्ट के लिए बोलना चाहती हूँ कि अपना काम खुद अपने नाम से बनवाओ। और थैंक यू सो मच अमृता मैम। स्वयं आपने बहुत सुंदर गाना गाया, यहाँ पे तमाम बॉलीवुड के लोग आए हैं, इस समाज को भी ये अमृता मैडम ने जो आपको गाने का मौका दिया, आप क्या फील कर रहे हो, क्या कहना चाहोगे? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अमृता मैम और बाकी सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं ये परफॉर्म कर सकूँ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू और अमृता मैम, थैंक यू सो मच। आगे चल के क्या करना चाहते हो? मैं इंशाल्लाह एक IAS ऑफिसर बनना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते, मैं मिसेज संतोष व्यास हूँ और मैं समाज नारी शक्ति में आई हूँ और अमृता दल की मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज नारी के लिए इतना बड़ा शो रखा है। इस शो में मैं फर्स्ट टाइम गेस्ट आई हूँ और अली सर लेकर आए मुझे, निवेद सर ने बोला है, इन्वाइट किया है और आज यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा है कि नारी शक्ति के लिए इतना बड़ा शो है। लेकिन मैं नारी शक्ति के साथ सभी पुरुष को भी धन्यवाद कहूँगी कि सभी मिलकर काम कर रहे हैं और नारी शक्ति को धन्यवाद, बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं NGO चलाती हूँ, मेरा खुद का एक संतोष देवी ट्रस्ट है। मैं सोशल वर्कर कई सालों से कर रही हूँ लेकिन कभी मीडिया में नहीं आई, कभी मैंने किसी से कुछ वो नहीं बोला कि मैं ये काम करती हूँ। लेकिन मैं फर्स्ट टाइम यहाँ नारी शक्ति में अपने NGO के बारे में, अपने सोशल सर्विस के बारे में बहुत सारे सोशल काम करती हूँ जो अनगिनत है और मैं अपना ट्रस्ट भी चलाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं भी नारी शक्ति के लिए और आगे काम करूँ और नारी शक्ति हो या पुरुष दोनों के लिए इक्वल काम करना पसंद करें। धन्यवाद। आज की इवेंट के मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आज की डेट में सभी लड़कियाँ अपने पैरों पे खड़ी हैं और वो अपने फैमिली के लिए, खुद के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, बहुत स्ट्रगल कर रही हैं और बस मैं यही चाहती हूँ कि ऐसे ही सभी बढ़ते रहे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और अपने देश का नाम रोशन करें बस। और
और मैं क्या कहना चाहती हूँ और मैं क्या कहूँ आप सभी के, बस मैं बस ऊपर वाले की शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस इवेंट का हिस्सा बनी, मुझे सम्मान मिला और थैंक यू अमृता मैम और थैंक यू शर्मा सर जो आपने मुझे इतना सम्मान दिया, बस और मैं क्या कहूँ। मैं एडिशन डेडी जैव रैपर सिंगर मॉडल, मैं इस इवेंट में आई और मुझे इतना सम्मान मिला उसके लिए थैंक यू सो मच अमिता मैम एंड शर्मा सर एंड ऑल, थैंक यू एमआर खान सर जो आपकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, जो भी सम्मान मुझे मिल रहे हैं वो आपकी वजह से है, थैंक यू सो मच। इतने सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं एज ए वुमन एंड इक्वालिटी में भी साथ आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। मार्च चल रहा है तो मार्च वुमन से सेलिब्रेट किया जाता है, सो मैं खुद एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर हूँ एंड आई वर्क फॉर बॉलीवुड एंड बहुत खुशी हो रही है यहाँ आके, हर टैलेंट बहुत सारे स्टंट वुमेन है, डांसर है, सब है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे यहाँ पर इनवाइट किया गया है, मुझे ये अवार्ड मिला है। मेरी जर्नी इतनी अच्छी रही कि विदिन एन ईयर आई डिड अ फिल्म एज अ म्यूजिक कंपोजर एंड लिरिसिस्ट, दैट फिल्म्स नेम इज़ वी कॉल इट द स्कूल, जिसमें मैंने शान को भी अपना गाना गवाया था, द लेजेंडरी शान। उसके अलावा बहुत सारे मैंने सिंगल्स भी किए हुए हैं एंड अभी मेरी एक फिल्म है अपकमिंग जिसमें मैं गा रही हूँ, जियो सिनेमा की वेताल एंड जंगल। इसके अलावा आज आपने This event is itself a very very beautiful event because it's dedicated to women. अक्सर हम देख रहे हैं कि लेडीज को ना स्पेशली हाउस वाइफ्स को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिलता है, और यहाँ पे जो हाउस वाइफ थी वो केवल हाउस वाइफ नहीं थी, वो उसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज में शामिल हैं, इसलिए उनको शाबाश नारी का खिताब भी दिया गया एंड उसके साथ साथ जो भी इंडस्ट्री में या एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हो गए, या मैंने देखा यहाँ पे इवन द स्टंट वुमेन, मेरे लिए बहुत ही नया था, हमेशा मैंने स्टंट मैन के बारे में सुना था, स्टंट वुमेन पहली बार देखा था, तो वो सब अवार्ड जो यहाँ पे हैं वो मिले उन लोगों को, बहुत ही अच्छे से नवाजा गया वाया अमृता जी, मुझे बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मुझे भी आभास नारी कहा इस अवार्ड के थ्रू, आई एम वेरी हैप्पी एंड ऑब्लिज्ड। हम जानना चाहें कि आपने कई सारे गाने अपने मेरा गाना है ख्वाहिशे मातु पहला प्यार, वीनस का एतबार वीनस से रिलीज हुआ था, तो मेरे काफ़ी सारे गाने हैं विच यू कैन फाइंड ऑन स्पॉटिफाई एंड iTunes, मतलब जितने भी MP3 प्लेटफॉर्म्स हैं, या आप गूगल भी कर सकते हो योगिता राजपूत सिंगर, विल गेट ऑल द डिटेल्स अबाउट मनाया जाए, जिस तरह हम सुनते थे कि भगवान श्री कृष्ण ने मनाई थी, तो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। मेरी वीडियो नहीं चलाई थी जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, और हम लोग पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन अभी इस साल मुझे मतलब 2 साल से कंटिन्यू अवार्ड मिल रहा है, निलेश मुझे सर सर और अमृता मैम, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और आपने मुझे समझा कि नारी और शक्ति अवार्ड जैसे रहता है, जैसे कि नारी शाबाश अवार्ड, इस काबिल समझा आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, ये नारी जो हम चढ़ाई कर रहे हैं पर्दे के पीछे वो हमें कोई नहीं जानते, तो आज उन्होंने यहाँ पर बुला के बताया कि हम कितना हार्ड स्टंट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम थैंक यू सो मच ही बोलेंगे सर अमृता मैम को, नारी शक्ति अवार्ड शाबाश नारी के लिए, जो उन्होंने इसका हकदार हमें समझा यहाँ पर। And thank you to the whole organization also for calling me as and the 71st Miss World as a VIP guest. I would like to thank Miss Julia Morley and the Miss World organization. Hi, this is Sonia Gunagupta and thank you so much for your time. Shabbat Nari, my dear. And Mr. Chair, thank you so much. Second time, मैं आ रही हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छा शो है और शाबाश नारी ने मेरा मैगजीन भी छपा है, मैगजीन भी आया है, मैं स्टेज सिंगर हूँ, पर्सनल सिंगर भी हूँ, मेरा गार्डन स्टार है और मैं 2023 में रनर अप हुआ, डिस्ट्रिक्ट रनर अप हुआ, तो मैं चाहूँगी शाबाश नारी के
प्रोग्राम बहुत अच्छा और आगे अच्छा। आपसे कहना चाहूँ कुछ और अमिता जी का जो शो है वो काफी बहुत अच्छा चल रहा है, मैं उनको जानती हूँ। 2023 में भी उन्होंने वुमेन का प्रोग्राम किया है और वुमेन इज द बेस्ट और सबको हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाई। अमिता जी हमेशा ही अच्छा कर रहे हैं लेडीज के लिए और मैं आशा करती हूँ ये जो प्रोग्राम है बहुत सारा सक्सेसफुल जाए। थैंक यू सो मच अमिता जी एंड ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं अमिता मिश्रा मैम का मुझसे शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि हम लेडीज को जो अलग अलग प्लेटफॉर्म से है उन्हें मंच पे मिला है, हमें इतना अच्छा ऑनर दिया है। मैं अमृता मिश्रा मैम अभी बोल हर टीम को सही मैं शुक्रिया अदा करूँगा। एंड दिस इज माई होम फ्रेंड शाह बिरसा, डू चेक आउट डू ऑर्डर, थैंक यू सो मच। जी मैं बहुत खुश हूँ, ये अवार्ड हर किसी को नहीं मिलता है, कुछ तो शाबाशी वाला काम मैंने किया है तभी हमें मिला है, थैंक यू। जी मैं तो बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि ये शाबाश नारी मुझे मिला है और शायद से मैं कुछ होगी तो मुझे ये मिला रहेगा, कोई तो चीज़ अचीव करी रहोगी तो मुझे शाबाश नारी का अवार्ड मिला है। थैंक यू सो मच अमिता मैम कि आपने मुझे ये दिया है और ये चीज़ से नवाजा है, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं अमृता मैम का थैंक यू बोलूँगा कि इतने सारे नारियों को उन्होंने इनवाइट करके बहुत शाबाश किया है और बी बोल वुमेन फाउंडेशन का 6th एनिवर्सरी है इसीलिए हम लोग बहुत खुश है, एज अ पूरे टीम हम लोग ने काम किया, हम लोग ने बहुत अच्छे से किया। थैंक यू मैडम। सबसे पहले आप बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको, शाबाश नारी 2024 में आपने बहुत बेहतरीन लगाया है, बहुत ही सुंदर आयोजन हुआ। क्या कहना चाहेंगे पूरी टीम इस प्रोसेस की, जितने पार्टी जितनी नारी शक्ति यहाँ से जिनके वर्क को आपने शुरू किया स्टार होने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं मेरी टीम को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि कहते हैं ना बिना टीम वर्क के कोई काम नहीं होता। अमृता मिश्रा है अकेली जितने को, बट उसके पीछे बहुत सारे हाथ हैं जिनकी वजह से आज अमृता मिश्रा है और मेरा ये बी बोल वुमेन फाउंडेशन जो दिखता है वो है। इसको आज 24 मार्च को पूरे 6 साल हो जाएंगे और जैसा आप सबको पता है कि मार्च का महीना पूरा वुमेन डे सेलिब्रेशन होता है, तो हमारे शाबाश नारी के ये सीजन 3 हुए हैं। मैं कोशिश करती हूँ मैं ऐसे ऐसे हुनर को ऐसे ऐसे हीरे को बाहर निकाल के आऊँ जिनमें सच में कुछ काबिलियत है और जो समाज के लिए सच में कुछ कर रहे हैं। मैं बेसिकली कोशिश करती हूँ कि जो ओल्ड एज होम हो ऑर्फनेज होम हो हम उनसे जुड़ते हैं और उनकी जो भी नीड होती है जरूरतें होती हैं उसको हम पूरी करने की कोशिश करते हैं, डोनेशन के थ्रू हो या जैसे भी हो हम उसको पूरा करते हैं। क्योंकि मेरा एक ड्रीम है कि मुझे एक ऐसा घर खोलना है जहाँ पे थोड़े हुए बच्चे हों, थोड़ी हुई बच्चियाँ हों, घर से निकाली हुई महिलाएं हों, घर से निकाले हुए हमारे बुजुर्ग हों, उन सबको एक आशियाना देना जिसका मैंने एक नाम भी सोच के रखा है मेरे दादा दादी के नाम से, नयनतारा हाउस, वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। और बी फॉर वुमेन फाउंडेशन खोलने का मोटिव भी यही था कि मैं एक आशियाना बनाऊँ और गाँव और शहर को एक जगह ला के खड़ा करूँ। क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से हूँ, आदिवासी क्षेत्र है जिसका नाम है झाबुआ मध्य प्रदेश, वो बहुत ही रिवाइवल एरिया है, वो आदिवासी क्षेत्र है जिसके नाम से भी लोग डरते हैं और वहाँ की खासियत है कि वो चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मभूमि है। तो गांव और शहर की औरतों को एक प्लेटफॉर्म देना है, एक जैसा खड़ा करना, ये मेरा और मेरे बी बोल वुमेन का मेन मोटिव है। मैं बहुत खुश हूँ, मैंने बिलीव नहीं करेंगे 200 मेंबर के साथ शुरू किया था सोशल मीडिया पे, आज 5,500 महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो ऑल ओवर इंडिया और आउट ऑफ इंडिया से, जिसमें सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी से सबसे ज़्यादा लेडीजें कनेक्टेड है और उनको मैं हमेशा कनेक्ट करने के लिए ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें करती हूँ जिसके जरिए वो जुड़ी रहती हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी फैमिली धीरे धीरे बढ़ रही है
और बहुत सारे जेंट्स का मुझे सपोर्ट मिला है, मोस्टली पुरुषों का सपोर्ट मिलता नहीं है महिलाओं को, बट मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरी फैमिली का और मेरे दोस्तों का बहुत सारा सपोर्ट मिला है। मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने कदमों को रोको नहीं, घर पे अगर हो तो घर से कुछ काम करो, बट करो और आगे बढ़ो, क्योंकि सिंगल हैंड से घर नहीं चलता। और कब कौन धोखा आपको दे जाए, कब आपकी लाइफ में क्या ट्रेजेडी हो जाए आप बोल नहीं सकते। अगर दोनों हाथों से कमाएंगे तो घर को और खुद को संभाल पाएंगे। आज की तारीख में औरतों का अपने पेड़ों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। मैं